कितना गदगदाया है पूरा, हाँ पूरा वसा भरा है इसमें। ये पेंगुइन है क्या? पेंगुइन, ये सील, सील वहां पे जाए। आइए पोलर बियर, टेडी बियर नहीं जी, कौन बियर है? पोलर बियर है। ये ठंड में पाए जाने वाले क्या है? भालू हैं। ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, सब पूरा ठंड बर्दाश्त कर लेता है सब। और ये सील मछली जो है ना, ये सील, सील और पेंगुइन इन दोनों को पकड़ के खा जाते हैं सब। सील को और पेंगुइन को पकड़ के खा जाते हैं सब। कौन? ये पोलर बियर। ये बेचारा भाग नहीं पाते हैं, ये तैरने में मशहूर है, माहिर है, भाग नहीं पाता इसे। ये इस ससुरा इसको खा जाता है, इसको खा जाता है ये। अभी भागते हैं सब दौड़ दौड़ का, पकड़ लिया तो दांते से खा जाएगा इसको। और ये इन दोनों को खा जाता है। हाँ, पेंगुइन छोटे मोटे मछलियों को खाता है, पानी में घुसेगा छोटे मोटे मछली को खाएगा। यहाँ पे ये सब किचाइन करके रख ले रहता है सब। इसे पूरा अंटार्कटिका में जितना गंदगी है ना, सब यही फैलाया है सब अंटार्कटिका के। ये पका ऐसे ऐसे घूमते फिरते रहता है सब, बहुत शरीफ रहता है। आइए सील, जो वहाँ पे वैज्ञानिक गए हैं वो इन्हीं को सील पकड़ते होंगे, या छोटी मछलियों को पकड़ पकड़ के खाते हैं, या फिर यहाँ से सप्लाई वाला खाना जाता है वही खाते हैं। ये पोलर बियर होते हैं सब, व्हाइट कलर का, ध्रुवों पे पाए जाते हैं पोलर बियर। किसी को दिक्कत तो? यहाँ जीव जंतु बड़ा मुश्किल से मिलते हैं सब। इतना ठंड में कौन जी पाएगा? जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा वसा हो वही जी सकता है। कम वसा वाले तो इसे मार देगा ठंडा, वहीं मर जाएंगे। इनके शरीर में पूरी चर्बी भरी होती है, चर्बी ना ठंडी को अंदर जाने ही नहीं देता। इधर देख रहे हैं कितना गदगदाया है पूरा, हाँ पूरा वसा भरा है इसमें, पूरा गद गदगदा गया है पूरा यहाँ पे। इसको आपको देखिए पूरा का पूरा वसा भरा हुआ है, ठंडा इन सबको उतना नहीं लगता है। यहाँ पर यही बेचारा इसे कूदते कूदते चलते रहता है, इसको चोट भी नहीं लगता है वसा के वजह से, पूरा एकदम। यही वहाँ पे जीव मिलेंगे सब, मुख्य रूप से यही तीन जीव। समझ में आ गया? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों की बात बता रहे हैं। ये दो ही जीव मुख्य रूप से मिलेंगे अंटार्कटिका में। हालांकि यहाँ अगर रहना है अंटार्कटिका या ध्रुवों पे, तो इस टाइप का घर बनता है, इग्लू जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है? इग्लू। ये बर्फ को एक दूसरे पर ऐसे लगा देते हैं, भंसेगा नहीं है। एक दूसरे पर ऐसे 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 करके लगा देंगे तो ये भंसता नहीं है, और यहाँ आगे से घुसने का रास्ता बना देते। इतना ठंड पड़ता है कि बर्फ पिघलने का नाम नहीं। फ्रिज में कभी बर्फ पिघला है? और जमते जाता है, तो इसका टेम्परेचर तो -40 रहता है, ये कहाँ से पिघलने वाला है? यही ये घुसने का रास्ता रहता है, ये आगे जाली उली रख लेते हैं सब, नहीं तो इधर से घुसा ये, इधर से घुसा पोलर बियर। सब व्यवस्था करके निकलेगा। भालू बहुत खतरनाक होते हैं सर, बहुत बुरा मौत देते हैं सर, जिंदे में खाना चालू कर देते हैं सर। शेर तो मार के खाता है ना। दो जानवर होते हैं, कोमोडो ड्रैगन, वाइल्ड डॉग, हायाना और ये बियर, चार ऐसे जानवर जिंदे में खाना चालू करेंगे सर। सबसे बुरा मारते से वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता, जिसको जो हिस्सा मिला उतना नोच के खाना चालू कर दिया। जैसे कोई हिरन को पकड़ेंगे सर 10 को मिल के, जोन जितना पकड़ा उतने निकाल के खाना चालू कर देता है। शेर में ये सब नहीं रहता, पहले मारेगा फिर अपना मोच पूरा खून से भिगाएगा, फिर देखेगा मोच कैसे, तब खाता है वहां पर। दिक्कत देखिए, हर इंसान अपने माहौल में ढलता है। शेर को पता है कि हम एक घंटा में खाए चाहे आधा घंटा में, हमरा से छीन के कौन ले जाएगा? और ये सब सोचता है खा ले जल्दी खत्म करना, तो अबे कोनो चीज अबे चाचा छीन लीजिए। ये कौन सा हो गया? इग्लू हो जाता है। क्या है? इग्लू। ये स्कीमो बोलते हैं इन लोग को। हालांकि ये ज्यादा कनाडा में पाए जाते हैं, स्कीमो जनजाति पढ़ाते हैं आप लोग को, कनाडा में पाए जाते हैं जनजाति। ये घर इसके अंदर ही रहते हैं लोग, ताकि ठंड ना लग सके। बाहर आएंगे तो इतना हवा चलता है ठंडा की मार देगा ठंडा, मर जाएंगे लोग वहीं पे। यहाँ वैज्ञानिक सब अपना रिसर्च सेंटर डालते हैं वहाँ, ठंडे चीज़ों पे रिसर्च करते हैं कि कौन सा चीज़ ठंडे पे सही हो सकता है। मान के जो यहाँ का टेम्परेचर है -85, कितना है? -50। क्या जरूरत है हमारा इतना भयंकर बड़का फ्रिज लगाने की, उस पर जनरेटर, हाई पावर का कंप्रेसर ये करने की, तब वो -85 नहीं जा पाएगा। -60 जाते जाते तो आदमी का हालत खराब हो जाता। अभी वैक्सीन आई थी कोरोना की, -10 में तो हालत खराब हो गया था उसका, वो चेन बनाने में पूरा ट्रांसपोर्टेशन चेन में। अब -80 डिग्री अगर आपको प्रयोगशाला में बनाना है, अरबों खरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा उस मशीन पे, और भाई दी वो मशीन का 1-2 मिनट के लिए भी कट हुआ तो टेम्परेचर तुरंत चेंज हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। उससे जब वैज्ञानिक सबको यहीं भेजिए स्वेटर पहना के, ये वाला तिरपाल ओढ़ा के, कहाँ से खरीदा तुम? अंटार्कटिका ऑनलाइन लिया? आगे अपने से बना लिया?
चलिए ध्यान देते, आप भी अपना एक रिसर्च सेंटर यहाँ खोलिए। हम एक्चुअली हुआ क्या, रिसर्च सेंटर से बहुत दिक्कत आने लगता है। इंटरनेशनल जब हम लोग गए ना, हम लोग को अपना ब्रांच डालना था, जैसे बाहर भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएई में सेटल हैं, बड़े बड़े जॉब कर रहे हैं, फैमिली के साथ वहाँ हैं, या फिर यूरोप में है, नीदरलैंड वगैरह में। तो हम लोग वहाँ गए, अप्रोच किए कि भाई हम लोग को यहाँ एक्सेस दिया जाए, तो ओटीपी तो मिल गया। उस ससुरा को ओटीपी 8-10 अक्षर का होता, बड़ी महंगा आता है, 8-10 रुपया पड़ जाता है ओटीपी का, ज़्यादा लेंगे लोग तो 5-7 रुपया करेगा, आप लोग का तो 1 रुपया का ओटीपी हो जाता है, आप लोग का ओटीपी सस्ता, तो ओटीपी तो ले लिया। अब वो कह रहा है कि रिसर्च सेंटर, हमारा लड़का पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना नहीं चाहता है। अब बड़ा परेशान करता, वहाँ का गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि आइए हमको बताइए, डिस्क्राइब कीजिए कैसे कैसे है। हम परेशान हो गए पूरा यहाँ पे, वरना अब तक हम लोग इंडिया से बाहर निकल गए रहते हम लोग यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं क्या, भारत पूरी दुनिया में अभी जैसे खिलौनों का सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है, आज से 2000 साल पहले पूरी दुनिया में टीचर भारत से जाते थे। समझ में आ गया कि नहीं, पूरी दुनिया परेशान थी कि जो सारा टीचर यहीं से आता है सब। और जब टीचर की एक खासियत क्या होती है ना, आप कितनों जगह पर चले जाइएगा, आप डीएम एसपी कलेक्टर कुछ भी बन जाइएगा, जिस दिन आदमी को जरूरत रहेगा उस दिन एक बार बोलेगा तो आप ना नहीं कर पाएगा। हम लोग आज भी अपने टीचर को नहीं कर पाते, तो हर देश वाले परेशान थे सब कि इंडिया के टीचर से पढ़ेगा तो ओकरे बात ज्यादा सुन लेगा। लेकिन हम लोग खो दिए, धीरे धीरे जाएगा वो चीज, समझ में आया कि नहीं गया। इसलिए इसका नाम अब सोचते हैं ग्लोबल स्टडीज, समझ में आ गया कि नहीं गया, बाहर लगा दिए कि नहीं लगा दे। तो पहले हम इंडिया में ही थे, अभी इंडिया के बाहर स्टार्ट कर दिए हम लोग, बांग्लादेश, नेपाल और आसपास का चालू हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान नहीं चालू होगा। पाकिस्तान में क्या करेंगे जाके, वहां पढ़ा के क्या करेंगे हम, हाँ क्या पढ़िएगा, पाकिस्तान का कोई भूगोल नहीं है, 1947 से उसका इतिहास चालू होता है। हिस्ट्री में पढ़ाएंगे क्या, ये बताइए ना, जिस देश का अपना इतिहास ही नहीं है उस देश का इतिहास के टीचर की क्या जरूरत है, कोई है? हम लोग का अपना इंडिया का मैप पढ़ाते हैं लोग तो समझ में आता, उसमें है क्या चीज, पहाड़ है और इसे रहने के लिए देखिएगा एक के टाइप का आदमी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग आतंकवादी हैं, कुछ कुछ सही भी होंगे, आगे देखते हैं लोग ध्यान से। बताइए यहां पर रिसर्च करना ठीक है कि नहीं, किसी को कोई